फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टार और अपकमिंग फिल्म यानी कि बेल बॉटम के ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर जो है रिलीज करवा दिया गया है। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि ट्रेलर जो है तकरीबन 3 मिनट 3.5 मिनट का ट्रेलर आने वाला है। मैंने 3 मिनट 32 सेकंड बताए थे, पर ट्रेलर जो है 3 मिनट 29 सेकंड का आया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ट्रेलर को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि इस ट्रेलर को देखते वक्त काफी समय, पूरे 3 साढ़े 3 मिनट का ट्रेलर है, तो ट्रेलर को देखते वक्त काफी बार मुझे अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्मों की याद आ रही थी। मानो मैं फिर से एयरलिफ्ट या फिर बेबी टाइप की कोई फिल्म देख रहा हूं। तो वो जो उनकी पुरानी फिल्मों में या फिर उन दोनों फिल्मों में जो उनका रोल था, जिस किस्म का एटीट्यूड था, उसी टाइप का जो एक फील है, जो वाइब है, वो ये फिल्म जो है क्रिएट करने में, इसका ट्रेलर जो है वो क्रिएट करने में कामयाब रहता है। जहां पर कहना चाहूंगा कि इस ट्रेलर की जो दो सबसे या फिर तीन सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी, उसमें सबसे पहला नंबर आता है अक्षय कुमार का। उनका जो लुक है बहुत ही कमाल के नजर आ रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया है। इस किस्म के रोल में वो काफी हद तक सूट करते हैं। इसके अलावा बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो जो लोकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरह के कैमरा वर्क्स देखने को मिल रहे हैं, एक्शन सीक्वेंस जो थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा हाईलाइट जो है इस पूरे ट्रेलर का, वो है इसका बीजीएम। हमने टीजर में ही बीजीएम वगैरह सुन लिया था, तो वही बीजीएम यहां पे सुनने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि रीसेंट टाइम में बॉलीवुड के द्वारा क्रिएट किया गया वन ऑफ द बेस्ट बीजीएम इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा इस ट्रेलर की अगर हम बात करें, तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर जो है हमें देखने को मिलता है, जहां पे कहा गया है कि ये जो फिल्म है सच्ची घटना पर आधारित है, कह सकते हैं सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, पर कहीं पर भी फिल्म के स्क्रीन प्ले वगैरह का कहीं पर भी उसके साथ कोई कनेक्शन या फिर लेना देना नहीं है। ये फिल्म किसी भी कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए या फिर किसी को हर्ट करना नहीं चाहती है। और इतने बड़े डिस्क्लेमर की वजह एक ही है, वो है इसका सब्जेक्ट या फिर कहले इसका जो प्लॉट है, यानी कि 1984 में हुए इंडियन एयरलाइंस पे जो हाईजैक हुआ था, यहां पे चंडीगढ़ से श्रीनगर जा रही प्लेन में जो हाईजैक हुआ था, उस कहानी पर ये फिल्म जो है आधारित है। तो अगर आप विकिपीडिया वगैरह पे जाके पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्क्लेमर किस लिए दिया गया है। तो यहां पर उसी कहानी पर आधारित ये फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है। जहां पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को उस कहानी के बारे में, उस घटना के बारे में ना भी पता हो, फिर भी ट्रेलर के अंदर काफी जगहों पर कह सकते हैं कि 3.5 मिनट लंबे ट्रेलर के अंदर काफी कुछ रिवील कर दिया गया है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की चीज को, या फिर कह लो हाईजैक को ले लो, इंडिया के अंदर हुए हाईजैक को ले लो, काफी सारी चीजों को, इवन अक्षय कुमार की एंट्री को या फिर उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए जो लंबा सा डायलॉग या फिर जो टाइम लिया गया है, उसे थोड़ा और क्रिस्प किया जा सकता था। ट्रेलर को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से एडिट करते हुए चीजों को इतना ज्यादा रिवील नहीं किया जाता, तो कह सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट ट्रेलर ये निकल के आ सकता था। तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, हाईजैक, रेस्क्यू वगैरह वाली फिल्मों में क्या होने वाला है, क्या होता है, ये तो हर किसी को पता ही है। और इसका जो अंत है, जो असली कहानी है, उसका जो अंत है, वो भी शायद रिलीज होने से पहले काफी लोग जान ही जाओगे। तो ये सभी चीजें तो होती रहती है, तो हर किसी को पता है कि शुरुआत और अंत कैसे होने वाला है। तो इस किस्म की फिल्मों में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है स्क्रीन प्ले। क्या स्क्रीन प्ले में वो इंगेजमेंट रहने वाली है, उस किस्म की पकड़ बन के रह पाती है या नहीं, क्या वो टेंशन, वो जो थ्रिल है जो इस कहानी के अंदर कैरेक्टर्स महसूस कर रहे होंगे, वो हमारे तक पहुंचता है या नहीं, ये सब चीजें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इस किस्म की फिल्मों के अंदर। तो इसलिए तो कह सकते हैं ट्रेलर जो है काफी हद तक प्रॉमिसिंग है, एक्टर्स काफी अच्छे हैं। तो देखते हैं 19 अगस्त को ये जो फिल्म है यहां पे थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। हालांकि महाराष्ट्र अभी तक खुला नहीं है, मतलब थिएटर्स अभी तक खुले नहीं है, पर फिर भी हो सकता है शायद इस बार पहली बार अक्षय कुमार यहां पे थिएटर्स को रिवाइव कर दें। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे ये था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन बनते हैं इस ट्रेलर को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बस यहीं तक आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।